जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहले चीज ये हो जाती कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में, और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोजी लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ मेरी समझ में आई क्या बात हुई। कहने लगे कि हालांकि मैं आई थिंक यू टेक हिम आउट समवेयर, बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीज़ें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो ये खाओगे बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज़ बचा लेती थी, वो लगता था उसको कि सब चीज़ सामने न रख दें, कहीं सब रखें और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके अच्छा क्या खाओगे अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी सारी चीज़ उनके सामने रखें। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी सब लोग इतना खाते थे उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है, और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पर रहे खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा, लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज्यादा बनाया नहीं होता, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है, हमें उसके अंदर बहुत ही प्रेम उमड़ता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूं, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूं। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं है, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज़ चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र के खुलते आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है, उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें, वो आर्टिफिशियल नहीं होता। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है ये मनुष्य तभी पहचान लेता है। अपने देहातों में ज़रूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं, कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज़ हो जाए तो उसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है तो बहुत खुश हो जाएंगे, उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज़ अपने अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ, क्या बहुत हो गया अब आपस के लिए ना करो, देहात में गए तो इन लोगों के लिए ना जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहाँ करते। ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमें कभी नहीं मालूम था कि आपके हिंदुस्तानियों में इतना प्रेम होता है। अब मैंने कहा तुम लोग नहीं हो, तुम में भी तो बहुत प्रेम आ गया है, उनमें भी आ गया है, तुम में भी आ गया है, सब प्रेम का आंदोलन चलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते हैं, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से, तब एक बार आती है तबीयत की किस तरह से मिले, उतना ही प्यार सर्वसाधारण ऐसे मुलाकात में भी, अरे वो हैं चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें, इस तरह की चीज़ें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है, थोड़ी सी भी चीज़ हो तो आदमी बताते हैं ये कर दूँ कि वो कर दूँ कि ऐसे कर दूँ कि वैसे कर दूँ, और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज को, उसे नहीं आ सकता।
तो ये जो प्रेम है जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से। अब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते, लोग हमेशा कोई आया तो फोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में जाइए, भागते रहते लोगों से, भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं, को लगता है क्या करें, दो आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो आज बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें, दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा, अभी क्या करें कुछ नहीं बैठे हुए आपस में मजा उठा रहे हैं। कोई आदमी अगर पार हो जाता है, अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहाँ होटल में एक साहब आए, तीन चार और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशन खूब जोर से शुरू, ये लोग दौड़ते हुए वहाँ से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गया, मैंने कहा क्यों, कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशन आ गए, मैं कहा देखो ये उसका सुगंध ले रहे हैं मजा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गांव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे वाइब्रेशन, हो क्या मजा, अब खड़े हुए मजा उठा रहे, वो भी मजा उठा रहे और ये भी मजा उठा रहे। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पिलाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मजा उठा रहा, फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मजा उठाओ दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मजा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है उसका मजा मनुष्य उठाता है, ये ना कि उसकी दुनिया की चीजों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमारा। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए aortic plexus को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज हार्ट ऑफ द स्टमक, बहुत से लोग कहते हैं aortic plexus को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। यह चीज रियलाइजेशन के बाद घटित होती है, नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मजेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो हर समय मैं भी शायद बड़ा बोर रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँगा, लेकिन अब मुझ में क्या मजा आ गया, और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते, अब अकेले बैठे हुए बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मजा उठा रहे हैं बैठे हुए आराम से, आपको मन नहीं करता कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो। आदमी ज़्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है, मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना ज़रूरी होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मज़े में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम दियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीज़ों में जो मज़ा आता था, उसे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में, बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे, ये चीज आपको नाभि चक्र से मिलती है।